इतने लोग बैठे हुए हैं, जरूरी ये सब कथा ही सुन रहे होंगे, गारंटी है इसकी? नहीं, सब वैसे यहां तो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शरीर से तो उपस्थित हैं पर मन तो आपका कहीं अमेरिका चला गया होगा, बेटा वहां पढ़ता है हमारा, जरूरी काम है, एक बार जरा फोन चेक कर लें, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई ईमेल तो नहीं आया। तो ऐसा होता रहता है, ये स्वभाव है। मन से हम उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, शरीर से होना हो, कितने लोग दूर भी बैठे होंगे पर लाइव बैठ करके देख रहे होंगे, वो शरीर से तो यहां नहीं है पर मन से तो है। मैया सती मन से नहीं थी, शरीर से उपस्थित थी। 9 दिन बीत गए कथा सुनते सुनते, एक भाव में बाबा शंकर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अब देखिए, मैया ने कथा का अपमान किया इसलिए गोस्वामी जी ने नाम काट के बाहर कर दिया। मैं जानता हूं आप जगत की जगदम्बा हैं, परांबा हैं, पर आपने मेरे प्रभु की कथा का अपमान किया, मैं आपका नाम काट रहा हूं। क्या लिख दिया कि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मैया ने नहीं सुनी, सिर्फ महेश ने सुनी, भगवान शंकर ने सुनी। जब कथा संपन्न हुई, अब व्यास जी को दक्षिणा तो देनी चाहिए कथा सुनने के बाद, आप लोग देंगे? अरे वाह, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। बाबा ने कहा, ऋषिवर आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, क्या दूं आपको दक्षिणा? अगस्त ऋषि ने सोचा, मैं दक्षिणा मांगू क्या इनसे, जो भगवान राम की भक्ति देने का टेंडर है ना, वो पता है किसको मिला है? बाबा को मिला है। तो अगस्त ऋषि ने सोचा ये शुभ समय है टेंडर लेने का, तो चलो ले ही लेते हैं। कहा, ऋषि प्रभु अगर कुछ देना है तो मुझे प्रभु की भक्ति प्रदान करिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान करके भगवान शंकर वहां से चल पड़े। अब दर्शन करिए, उसी समय की बात है, उसी दंडकारण्य में पंचवटी के पास मेरे प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ में रहते थे, और दुष्ट राक्षस रावण आया, मेरी जानकी मैया का हरण करके ले गया। भगवान राम चारों तरफ वट वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं, एक खगमृग हे मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, सबसे पूछे जा रहे हैं। भगवान की तो लीला चल रही थी, भगवान रोए जा रहे, विलाप किए जा रहे। किसी ने कहा, भाई भगवान रो क्यों रहे हैं? तो भगवान कुछ भी करते हैं उसके पीछे कारण होता है, भगवान तो सर्वज्ञ उन्हें पता है, पर फिर भी भगवान रो रहे, क्यों रो रहे? जब भगवान दंडकारण्य से मैया को ढूंढते हुए चले दक्षिण दिशा में, उस समय जितने बड़े बड़े संत थे, जब सुना कि इसी रास्ते राम जी जाएंगे, तो उन जितने संत थे वो सभी संत गोरे गोरे पत्थर उठा के खड़े हो गए रास्ते में। क्यों? भगवान आएंगे तो हमने सुना है उनके चरणों में कोई बूटी लगी है, उसी बूटी से स्पर्श करा के नारी बना लेंगे बढ़िया गोरी गोरी, जैसे यहां गोरी गोरी होती ना, वैसे ही हम भी ले लेंगे। भगवान ने सोचा, संतों की जब ये स्थिति हो जाएगी तो गृहस्थ क्या करेंगे, इस संसार का क्या होगा? भगवान ने रोना शुरू किया, तो संतों ने पूछा, ये बताओ ये भगवान रो क्यों रहे हैं? तो संतों ने कहा, महाराज इनकी पत्नी का हरण किसी ने कर लिया तो ये रो रहे हैं। तो संतों ने पूछा, ये बताओ विवाह के बाद रोना भी पड़ता है क्या? संतों ने कहा, भाई जब भगवान रोने से नहीं बचे तो हम आप कौन हैं? ईमानदारी से बताइए, रो रहे हैं कि नहीं विवाह के बाद? थोड़े बहुत तो सबके जीवन में लगे ही रहते हैं, कहां तुमसे शादी हो गई, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ये तो चलता रहता है, ये इंटरनेशनल डायलॉग है वैसे, ये सब कहते हैं। तो संतों ने कहा, जब भगवान रो रहे हैं तो हम लोग क्या हैं? उठाया पत्थर फेंक दिया, हमें नहीं करना विवाह, और वापस सीताराम सीताराम करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए और ये लीला देख करके माँ सती के मन में भ्रम हो गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये मेरे प्रभु हैं, इनको प्रणाम करो। मैया सती ने कहा, प्रभु ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अवेद, जो ब्रह्म है वो अजन्मा है, और आप इस साधारण से मनुष्य को भगवान कह रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैंने क्यों प्रणाम करूं?
भगवान ने कहा भी जिसकी भक्ति में दे के आ रहा हूं वही भगवान राम है, जिसका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं वही भगवान राम है, देवी ने प्रणाम करो। मैया ने प्रणाम नहीं किया। मैया कहती अगर ये भगवान होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता इनकी पत्नी कहाँ है, इनकी पत्नी का हरण किसने किया, इन्हें पता नहीं होता, ये भगवान नहीं, मैं नहीं प्रणाम करूंगी। बाबा ने सोचा बताओ पूरी दुनिया मेरी बात मानती, पूरा संसार मेरी बात मानता, पर मेरी पत्नी मेरी नहीं सुन रही है। यही स्थिति होती है सबकी दुनिया में, चाहे आप कुछ भी हो पर घर में आने के बाद तो फिर कोई वैल्यू नहीं है महाराज। और बाबा को देखो, बाबा संसार को सिखाते हुए चल रहे हैं, बाबा जगत के पिता हैं, पर मैया ने बात नहीं मानी। बाबा ने कहा देवी कोई बात नहीं, जो किसी से नहीं हारता वो अपनी पत्नी से हारता है। चलो एक काम करो, आप जाओ परीक्षा ले लो अगर आपके मन में इतना संदेह हो तो। मैया सती ने कहा बात तो ठीक है, कहा मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं। मैया सती चली परीक्षा लेने। मैया ने सोचा परीक्षा लूं कैसे, तो मन में विचार आया कि वो सीता मैया को ढूंढ रहे, क्यों ना मैं सीता बन जाऊं, अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे ये सीता नहीं बल्कि सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता मेरे पास दौड़ते चले आएंगे। मैया सती ने स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके पहुंची भगवान के पास। लेकिन जीवन का ये सूत्र है कि किसी का स्वरूप बनाने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता। मेरी मैया सीता का स्वभाव था वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और सती मैया क्या की आगे ही जाके खड़ी हो गई, पहले तो यही पहचान मिल गई। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, जब दूर से देखा तो लक्ष्मण जी सोचे ये तो नकली भाभी है, अपनी वाली तो है नहीं, ये तो सती मैया है, पर इन्होंने स्वरूप क्यों बनाया हुआ है। लक्ष्मण जी मौन रहे। यहां भी एक सूत्र मिलता है कि साथ में जब एक बड़ा व्यक्ति हमारे साथ चल रहा हो तो छोटे को मौन रहना चाहिए, क्यों, जो कुछ भी होगा हमारा बड़ा संभालेगा, वहां पे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी मौन हैं, भैया हैं, कुछ करेंगे कुछ सोचा होगा। राम जी ने मैया को देखा, दूर से प्रणाम किया। अब मैया को जब प्रणाम किया तो अभी भी समझ जाना चाहिए कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा कि करेगा, यहां तो नहीं ऐसा होता है, समझ जाना चाहिए कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी माया इतनी प्रबल कि मैया को समझ में नहीं आया। भगवान राम और पास आए और आकर के मैया से बिल्कुल खुल के कहते, अपना परिचय कैसे दिया भगवान ने, कहते मैं दशरथ नंदन सीता का पति राम आपको प्रणाम करता हूं। क्लियर बात बोली, आप जो सीता बनी उसका पति नहीं, जो मेरी वाली सीता है मैं उसका पति हूं। और तो और भगवान ने इतना शर्मिंदा किया मैया को, भगवान राम ने पूछा देवी मैया अरे बाबा कहां है, कि कहे वो बाहोरी बिपिना अकेले फिर ही के ही है तू। बाबा कहाँ है, अकेले कहाँ घूम रही हैं आप, अरे मैंने जाने की वो अकेला छोड़ रखा था, कोई आया हरण करके ले गया, देवी आप भी पहुंचो बाबा के पास। अब तो मैया बार बार मन में पश्चाताप होने लगा, मैंने अपने प्रभु की बात नहीं मानी, मैंने अपने प्रभु की बात नहीं मानी। मैया जब पहुंची बाबा के पास, सबसे पहला क्वेश्चन बाबा का यही था, कुशल तो हो, सब ठीक ठाक है, क्यों भाई बीमारी हुई थी क्या मैया को, हुई थी ना बीमारी, शक वाली बीमारी, और शंका की ऐसी बीमारी है महाराज अगर ये दूर नहीं किया गया तो मरने के बाद ही खत्म होगा, ये कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। किसी के मन में शंका हो जाए कि ये मेरी शिकायत करता है, बस उसके सामने किसी दूसरे के सामने कान में जाकर के दो बात बोल दो, अब उसे लगेगा ये मेरी शिकायत कर रहा है। तो शंका ऐसी बड़ी चीज है, मैया के मन में जो शंका की बीमारी थी, बाबा ने कहा देवी सब कुशल तो है, आपने परीक्षा किस प्रकार से ली, मुझे विधि बताओ। मैया झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बनाया था मैया ने, उस माया ने झूठ बोलवा दिया।